बात बाजार की करें तो शुरुआत बढ़त के साथ हुई थी, लेकिन बाजार ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाया और कारोबार खत्म होने पर बाजार दिन के निचले स्तरों के करीब बंद हुआ। हालांकि निफ्टी ने 10,100 के स्तर को होल्ड किया। वहीं छोटे मझौले शेयरों की जोरदार पिटाई हुई। सेंसेक्स 130 और निफ्टी 41 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। रियल्टी, टेलीकॉम, कैपिटल गुड्स और आईटी शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली रही। आज के कारोबार में मेटल को छोड़कर बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। 10-15% गिर गया, देन आई थिंक मैं एंथुजियास्टिकली बोलूंगा कि लोग मार्केट को खरीदे, बिकॉज मार्केट फेयरली वैल्यूड हो जाएगा। अगर लार्ज कैप्स 10-15% गिरे, ऑलमोस्ट सर्टन है कि स्मॉल कैप 30-40 गिरेगा। सो एक सिनेरियो मार्केट में करेक्शन नजर आती है पॉलिटिकल इवेंट्स की वजह से। वैसे हालात में मैं बोलूंगा दिल खोल के अच्छे इस कंपनीज में निवेश कीजिए। और मेरे साथ मेरे सहयोगी रजत ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए हैं। रजत, यूएस फेड ने दरें बढ़ा दी, 1/4% की दरें बढ़ाई, तो उम्मीद तो यही थी कि बाजार में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लेकिन देखिए, शुरुआत ठीक थी, उसके बाद टिक नहीं पाए हायर लेवल पे और ज्यादातर एशियन मार्केट जो है वो आज कमजोर बंद हुए हैं। भारतीय बाजार फिर से वही बात कि 200 दिनों की औसत एवरेज के आसपास आके बंद हुए। निफ्टी 40 पॉइंट्स की गिरावट, लेटर हाफ में बिकवाली और बढ़ गई। सेंसेक्स में 130 अंकों के आसपास की गिरावट थी। निफ्टी बैंक की थी आज वीकली एक्सपायरी। कुछ चुनिंदा निजी क्षेत्र के बैंक एक्टिव थे, लेकिन सरकारी बैंक्स यहां पर आज के सत्र में दबाव था। पीएसयू बैंक इंडेक्स खुद 2% के आसपास का गोता लगा गया और दिक्कत थी मार्केट में वही कि स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे थे। ब्रेड वीक थी मार्केट की। इसके अलावा अगर निफ्टी की आप टॉप लूजर्स की बात करें तो उसमें था बीपीसीएल और एचपीसीएल। आज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज सबसे कमजोर तबका था बाजार का। इसके अलावा एसबीआई, विप्रो, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर गिरावट देखने को मिल रही थी। जो तेज हुआ वो था वेदांता। आज मेटल स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी हो रही थी। ONGC एक और स्टॉक, क्योंकि क्रूड 6 हफ्ते के उच्चतम स्तर के करीब है, चढ़ा। इसके अलावा टाटा मोटर्स, इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स में मूव पॉजिटिव था। लेकिन ये जो स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स हैं, दिक्कत यहां पर है। और आज HCC इस स्टॉक में 17-18% की गिरावट एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में थी। बलरामपुर चीनी, JP एसोसिएट्स और MMTC जैसे स्टॉक्स फिसलते हुए नजर आए। बैंकिंग, सिंडिकेट बैंक, SBI, कॉरपोरेशन बैंक और ICICI बैंक टूटा। ICICI सिक्योरिटीज का IPO आज से खुला है, लेकिन उसके बावजूद ICICI बैंक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। ऑटो शेयर्स वीक थे। अशोक लेलैंड, M&M, मारुति सुजुकी और TVS मोटर्स जैसे स्टॉक्स में आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी। और एक सेक्टर जो मजबूत हो रहा था उसमें था मेटल्स, जिसमें नालको, सेल, वेदांता, हिंडालको चढ़े। नालको का रिटर्न थे 6.5% से ज्यादा के। ऑफशोर और ड्रिलिंग कंपनी आज एक्टिव थी। क्रूड जो लगातार इंटरनेशनल मार्केट में पकड़ मजबूत करता चला जा रहा है, उसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा था। HOC, दीप इंडस्ट्रीज, डॉल्फिन और सिलान जैसे स्टॉक्स में। और कुछ इक्का दुक्का शेयर्स जिसमें क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर्स, एस्टेक लाइफ, TRF जैसे स्टॉक्स तेज थे और जुबिलेंट फूडवर्क्स, मैक्वायरी की पॉजिटिव रिपोर्ट थी, स्टॉक 3% चढ़ गया।